थैंक यू ऑल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। और तो और गाइस, आपके वो प्यार के साथ साथ ना हमें आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक Q&A किया जाए। हमें ना लगभग 200 क्वेश्चंस आए थे और सबका आंसर देना इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हमने मिलते जुलते क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया सो दैट हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। पहला क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत लोगों ने पूछा, वेयर आर यू ऑल फ्रॉम। देखो दिल्ली तो मतलब दिल वालों की है और हम भी वहीं से हैं। इससे ना मुझे गाना याद आता है, दिल्ली है मेरे यार। और मुझे पता है कौन सा याद आता है, दिल्ली से हूँ। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड चोट चोट अंजलि, उसके गाने, उसकी क्रेविंग। हमारे फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस कौन है? गाइस मेरा फेवरेट एक्टर SRK है, फेवरेट एक्ट्रेस आई लव यू दीपिका। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। मेरे को बचपन से ओम शांति ओम ने ऐसे ऐसे किया था ना, मैं तब से फैन हूँ, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। आई सो लव हर यार। फेवरेट एक्टर मेरा रणवीर सिंह है, बहुत दो रीजन है। एक तो वो दीपिका को बहुत प्यार करता है जो वो डिजर्व करती है, और दूसरा रणवीर स्ट्रीट बॉय बन रहा है वो उसे भी जस्टिफाई करता है, उसे खिलजी जस्टिफाई किया। तो जो मेरे फेवरेट एक्टर वो है इरफान खान सर, उनका एक्टिंग देख के ही ना ऐसा हो जाता था कि यार आंखों से बोल लेना, फेस एक्सप्रेशन से इतना ज्यादा बोल लेना। देखो गाइस, तो सिर्फ बात तो ये उनकी और गूज़बम्स आ गए हैं, देखिए बहुत अच्छा। और फेवरेट एक्ट्रेस तापसी पन्नू, बिकॉज़ काफी सॉलिड मूवीज बनाती है यार, हार्ट टचिंग होती है बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू सिब्लिंग्स। भाई ये क्वेश्चन से भर चुका है हमारा DM सही में भाई, और हम दोनों के लिए तो कुछ ज्यादा ही आ रहा होता है। अंजलि सिमरन मैंने आर यू मोर ट्विंस। गाइस देखो हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अपनी अपनी हॉबीज बताओ। हॉबीज की अगर बात करें तो मुझे ना एक्टिंग के साथ साथ डांसिंग का काफी शौक था। मेरा सारा स्ट्रेस मेरे डांस के थ्रू निकलता है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी डांस बहुत डालता हूँ, मैं पोएट्रीज भी लिखता हूँ, मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है, कोई भी स्पोर्ट्स खेल लो। फ्रेंड्स देखना बहुत पसंद है, मतलब मेरा पूरा वीकेंड 50 बार से लेकर 10 सीजन तक देखा है मैंने। हाउ डू यू स्टे हेल्दी इवन आफ्टर ईटिंग सो मच जंक फूड? अंजलि से स्टार्ट करें। रोज शाम को मोमोज खाती है यार, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मोमोज। इसका पेट खोलेगा डॉक्टर, मैदा निकलेगा। हाँ जिस दिन हम शूट नहीं कर रहे थे तो हम उस दिन ऐसे डिटॉक्स कर लेते हैं कि उस दिन हमें हेल्दी खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, जूस पीना है। तो आपको बताओ, हमें ना ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है इस चैनल को। सिमरन ना मैंने इतना फ्लक्चुएट किया है वेट, बट तरुण वैसा का वैसे ही जैसे आया था। क्या करूं, मेरे को टिप्स देना। मेरा वेट 62 था, अभी भी 62 है यार। सही में यहाँ जिम करने के बाद भी और बढ़ गया है मोमोज खा खा के। Which one is your favorite YouTube channel? कब्शप। Guys, मेरा favorite YouTube channel है Timeliners। So what they saw of Jashi vlogs देख रहे हो? लोगों के घर में सुबह 8 बजे भजन चलते हैं, कीर्तन चलते हैं, सत्संग चलते हैं। बहन के घर में सौरभ जोशी व्लॉग चल रहा है। This is 21st century bro। 5 लाख रुपए के लिए ये सवाल है। आपको मैगी पसंद है या मोमोज? 3, 2, 1 मोमोज। नैना ने हमसे पूछा है कि डू यू नो के पॉप, आर यू अ BTS आर्मी? हाँ, मुझे आइडल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो गाना मुझे बहुत वाइब देता है। मैंने ना रील भी बनाई थी एक, बट नॉट अ डाई हार्ट फैन। सेम, नॉट अ डाई हार्ट फैन। मैंने BTS के सॉन्ग्स बहुत सारे सुने हैं क्योंकि मेरी जो छोटी वाली बहन है वो डाई हार्ट फैन है BTS की। यार ये तो थोड़ा पर्सनल है। क्या है? मतलब 10th और 12th में कितनी परसेंटेज आई थी? ओके, 10th में मेरी आई थी 90%, और 12th में अगर हम वो नहीं कर रहे, बेस्ट ऑफ 4 नहीं कर रहे, तो भी मेरी 90 अबव थी, मेरे को याद नहीं। बट अगर हम बेस्ट ऑफ 4 कर रहे हैं तो 86%। मैं CGPA थी 7.8 आई गेस। क्लास 12th में मेरी परसेंटेज थी 80। 10th में मेरी 10 CGPA आई थी, स्कूल की टॉपर थी उस टाइम पे। और 12th में मेरी कम आई थी यार, 89.7 आई। साइंस, कॉमर्स विद मैथ्स, ह्यूमैनिटीज। तो हम तीनों बैकग्राउंड से देखो आज यहीं बैठे हैं। फर्क नहीं पड़ता, स्किल्स पे काम करो अच्छे से। फेवरेट फूड क्या है? गाइस राजमा चावल। ये मेरा फेवरेट फूड कॉपी कर रहा है, राजमा चावल। वेज बिरयानी, ठीक है मेरे को मारना मत। पुलाव, पुलाव होता है, पुलाव होता है गाइस वो। चुप हो जा। बिरयानी मतलब चिकन? नो। हां, अंकल आंटी हमने इसको मना किया है ना चिकन खाने से। पिज्जा और पास्ता? पिज्जा। पिक्चर का रेड सॉस पास्ता बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर मैं बाहर खाने गई हूँ तो मैं पास्ता पिज्जा दोनों ऑर्डर करूंगी और फिर दोनों ही खाऊंगी। खूब पैसा मैडम पे, खूब पैसा। नाइट और डे? नाइट। नाइट मेरे को डे, बट मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, बट डे इसलिए क्योंकि मैं कुछ नहीं जगह जाता रात। पता क्या है गाइस, ये वो बच्चे हैं जो स्कूल में भी फर्स्ट बेंच पे बैठते थे, और हम वो बच्चे जो स्कूल में बैक बेंच चढ़ते हैं। यार रात बहुत खूबसूरत चीज है। इसके साथ हमें काम भी करना होगा ना, हम इसको जगाते रहेंगे, उठ जा हमें शूट करना है। गाइस हम थिएटर में शूट करने गए थे। और ये मैडम फुल ऑन। योर फेवरेट मंथ? दिसंबर। नवंबर हमारे बर्थडे मंथ है, इसलिए हमने बोला।
दिसंबर। नवंबर वाला मंथ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें कम कम ठंड होती है तो बहुत ऐसे बहुत सारे स्वेटर्स नहीं पहनने होते। क्या आप रोज इतने स्पाइसी खाते हो या फिर वीडियो के लिए खाना पड़ता है? मैं तो खाती हूँ। मैं भी खाती हूँ। मैं स्पाइसी नहीं खाती थी बिल्कुल भी, फिर मैं इनसे मिली और मैं अब खाती हूँ स्पाइसी। मतलब अपने घर में सबसे ज्यादा स्पाइसी खाने वाली बच्ची मैं हूँ। गाइस आप जो लोग देख सकते हैं 5 मिनट तक हम तीनों ने अच्छा कंट्रोल किया और हम तीनों इम्यून हो चुके हैं। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? मुझे पहाड़ पसंद है। मैं हिमाचल साइड, उत्तराखंड, मुझे बड़ा नेचर से बहुत प्यार है यार। तो वैसे मुझे ऐसा लगता था मेरे को बीचेस पे भी जाना है वहाँ, पर मुझे लगता था काफी शोर और ये सब है। बट अगर मुझे म्यूजिकल डॉक्टर्स कुड़ी के अंदी अगर मुझे सुकून चाहिए तो मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे हिल्स पे जाना। आपकी शादी हो चुकी है और अगर नहीं हुई है तो कब होने वाली? गाइस हम बाल विवाह को प्रमोट नहीं करते हैं, इसके रिश्ते आने लग गए हैं। ये सच है? अगर मेरे रिश्तेदार भी देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज भेजना बंद कर दो। एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे आप, जो अंजलि बच्ची बनती है, अंजलि हम सबसे बड़ी है। आप गेस करना अंजलि कितने साल की। हु इज बिहाइंड द कैमरा? आजो आजो आजो। तो गाइस ये देखो, ये हमारे नोएडा गए, ठीक है, ये हमारी एडिटिंग, हमारा शूट और एक्टिंग ये तीनों करते हैं, स्क्रिप्टिंग भी। यार ये हितेश है, ये हमारे लिए सारी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, और ये हमारे श्री भाई है, ये भी हमारे लिए एडिटिंग करते हैं। आप लोग भी मेरी टीम का ही पार्ट हो। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? इटालियन, चाइनीज और इंडियन? इंडियन और चाइनीज। फेवरेट एक ही होता है। तुम 3 दिन गालो चाइनीज, 4 दिन जब इंडियन आता है ना, इंडियन डैडी जी है, चाइनीज फिर बेटा जी हो जाते हैं। टी और कॉफी। जो कि उनका हक है करना, बट दे सपोर्ट। मेकअप में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? मैं इस क्वेश्चन से आउट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं टाइम ही नहीं लेता। थोड़ा थोड़ा टाइम गाइस लगता है, पर बात कौन कर रहा है जो मेकअप में गई, कम से कम आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे लेती है यार। गई शूट है, टक 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 बाहर आ जाओ। Okay. आ तो रहे है, तंग मत करो, इतना तो टाइम लगेगा ही। सिमरन लेफ्ट दिस चैट। फेवरेट मूवी इज, अगर हिंदी तो मैं हूँ ना, अगर इंग्लिश, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन। डियर जिंदगी, हाईवे, द स्काई इज पिंक, काफी प्यारी मूवीज है। गंगूबाई, ये जवानी है दीवानी, और ना भी आलिया की मूवी आई थी उनके साथ, डार्लिंग। हाँ डार्लिंग भी तो है, डार्लिंग। ओह क्या मूवी थी, देखी वो। मैंने कैसे मिस कर दी मूवी, अच्छी मूवी है वो। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा? लग जा गली की फिर। मतलब मैं ना जोन के हिसाब से चलता हूँ थोड़ा, कि अगर मेरा मूड ऑफ सा हो रहा है तो मैं थोड़ा डिक चिक मुसे वाला चला लेता हूँ, रोमांटिक मौसम है अरिजीत चला लेता हूँ। मेरा फेवरेट सॉन्ग है एक तो दिल दिया गल्ला, मुझे बहुत 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 पसंद है वो, मैं कभी भी सुन सकती हूँ किसी भी टाइम। सो गाइस द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज, सो गाइस अगर यूट्यूब की इनकम का अगर आप पूछो तो चिली पोटैटो, मोमोज, फ्राइज और आप लोग जो जो डिमांड करते हो उतना खा लेते हैं, तो उतना इनकम आ जाता है। और जो हमारी इनकम ऐसी हो जाएगी ना कि हम एक महीने में 4 आईफोन ले पा रहे हैं तो बताएंगे जरूर। सो इसी के साथ हमारा Q&A होता है यहीं पे खत्म। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आप हमसे और क्या क्या पूछना चाहते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बाय।